तो गंगा जी में मोटर राइड के बाद मैं आता हूँ एक जगह मंदिर के पास, मतलब यहाँ पास में एक मंदिर था अवंतिका देवी का। आरती का टाइम था तो मुझे प्रसाद मिल जाता है, और प्रसाद में वही चिनौरियाँ, मतलब क्या बोलते हैं, मिश्री थी, मिश्री और किशमिश। क्या उसके बाद यहाँ बाजार तो लगा नहीं था क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं, इतना कोई ऐसा खास दिन भी नहीं था जिसके लिए लोग आए नहाने ज़्यादातर। और यहाँ पर मुझे बहुत ही पहुँचे हुए बाबा का आश्रम मिलता है, दरअसल ऊपर पहुँचे हुए बाबा का। और गांव में हैंडपंप से पानी पीना तो एक अलग ही मज़ा देता है। खैर, अगर तुमने गांव में आकर ये नहीं किया तो क्या किया, बेकार गया। और यहाँ पर बंदर होगा तो पूछो मत, हर एक जगह पर तुम्हें 4 से 5 बंदर जरूर देखने को मिल जाएंगे। अब उसके खैर, उसके बाद मैं गर्मी मिटाने के लिए एक सॉफ्टी लेकर आता हूँ, पर यहाँ पर जो सॉफ्टी बना रखी थी वो बेबी मिल्क पाउडर से उसकी क्रीम बना रखी थी, और मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पर लगता है इन बंदरों को बड़ा टेस्ट आता है। देखना क्या नाली में से भी उठा रहा है, खा रहा है, कह रहा होगा भाई मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, तेरे को नाली में से तो मिल गई। और फिर शाम के टाइम में खेतों में घूमने के लिए आ जाता हूँ अपने, और यहाँ पर भी एक हैंडपंप लग रहा है। खैर, इसके अगले दिन मैं निकल गया था, एक शाम पहले की वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, और इसके अगले दिन मैं निकल गया था। इसके आगे मैं ब्लॉग डालूंगा नहीं, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को बताना। वैसे गाँव में ऐसे शाम के टाइम घूमने में बड़ा मज़ा आता है यार, एकदम शांति मिलती है।